नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। नगर पालिका प्रशासन की ओर से हर साल पालिका के अंतर्गत आने वाले पार्किंग शुल्क का ठेका दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा पालिका की ओर से निर्धारित शुल्क से अधिक पार्किंग शुल्क वसूले जाने की शिकायत मिली है। आपको बता दें, शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पालिका ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत SDM राहुल शाह से की थी। भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने बताया कि डिग्री कॉलेज के नजदीक बाहर से आने वाले वाहनों से पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा 400 रुपए प्रति वाहन शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया, पार्किंग को लेकर पहले भी इस प्रकार की शिकायतें मिली थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से पार्किंग ठेकेदार का ठेका निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब शहर में पार्किंग शुल्क वसूलने का काम नगर पालिका के कर्मचारी ही करेंगे। नगर में नगर पालिका के पार्किंग ठेकेदार लगातार अवैध वसूली की जा रही थी, शिकायतें भी आई हैं, जो निर्धारित शुल्क है उससे कई गुना लिया जा रहा था, तो किस प्रकार की कार्रवाई की गई है ठेकेदार के खिलाफ? आप अवगत ही हैं कि मार्च से हमारे सारे ठेके माननीय न्यायालय द्वारा स्टे आदेश पारित किया गया था, उसमें पिछले ठेकेदारों को 10% वृद्धि के साथ एक माह के लिए दिया जा रहा था, जिसमें लगातार मोटर बस अड्डा पार्किंग में शिकायत आ रही थी। इस माह उनको नहीं दिया गया और हमारे पालिका कर्मचारियों द्वारा ही वसूली कराई जा रही है उसकी। तो सर, वर्तमान में ठेका निरस्त कर दिया गया? हाँ, उस ठेकेदार को निरस्त ही कर दिया गया है सर। अभी कुछ दिन पहले रामनगर नगर पालिका के अंदर अवैध रूप से जो है वाहनों की पार्किंग जो है ली जा रही थी, और जहां पर पालिका ने शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया था बसों का, 400 रुपये की पर्ची काटी गई। और ये रामनगर के जनमानस द्वारा मेरे संज्ञान में ये मामला लाया गया है कि पर्यटकों से 400 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। तो मैंने उस पर्ची को रामनगर उपजिलाधिकारी महोदय को दिया, उसके बाद उन्होंने संज्ञान लिया और उसका ठेका जो है निरस्त कर दिया गया है। अवैध रूप से जो वसूली की जा रही थी उसका आज ठेका निरस्त हो गया है। आपको बता दें कि रामनगर नगर पालिका प्रशासन ने पार्किंग का ठेका निरस्त कर दिया। लगातार पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी। इस मामले में भाजपा के नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने SDM राहुल शाह, जो कि नगर पालिका के वर्तमान में प्रशासक भी हैं, उनको अवगत कराया था कि पार्किंग के ठेकेदार द्वारा जो लड़के पार्किंग वसूली के लिए रखे गए हैं, उनके द्वारा निर्धारित शुल्क से कई ज़्यादा शुल्क वसूला जा रहा है वाहनों से। उन्होंने बताया, डिग्री कॉलेज के सामने कुछ बाहर से बसें आई थी, जिसमें पार्किंग ठेकेदार के लड़कों द्वारा 400 रुपये प्रति बस से उनसे पार्किंग शुल्क वसूला गया, जो कि पूरी तरह अवैध था। इसकी शिकायत उनके द्वारा SDM से की गई। SDM द्वारा मामले की जब जांच कराई गई तो जांच में तथ्य सही पाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि वर्तमान में हाईकोर्ट में एक रीट दायर करने के चलते ठेके मार्च में होते हैं, इस बार ठेके नहीं किए गए थे, लेकिन जो नगर पालिका के द्वारा ठेके दिए जाते हैं वो पुराने ठेकेदारों को 10% की वृद्धि कर दे दिए गए। तो उन्होंने कहा, इस प्रकार की जो पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थी, इसको लेकर उन्होंने बताया कि पार्किंग ठेकेदार का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया तथा नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा अब निर्धारित शुल्क पालिका के कर्मचारियों द्वारा वसूला जाएगा। उन्होंने सभी वाहन स्वामियों और वाहन चालकों से भी सहयोग की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा। इस रिपोर्ट को आपके लिए तैयार किया था रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।